प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि बिना यंत्र तंत्र और मंत्र के भी इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो अति आवश्यक है कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता। आप कुछ भी करें, अपने साधना पथ पर मंत्र करें, यंत्र करें, तंत्र करें, लेकिन अपने कर्म को ना छोड़ें। कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसा आप कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं, यह आपको आपकी इच्छा की पूर्ति करने में पूर्ण सहयोगी होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी ही एक विधि के बारे में बता रहे हैं जो बिना यंत्र मंत्र के ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। दोस्तों, आपके आसपास में कहीं पर भी विष्णु भगवान का मंदिर अवश्य होगा। दोस्तों, आप एक नियम बना लें कि अपने विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं और उनके चरणों का अमृत प्राप्त कर लें। यानी चरणों का अमृत का कहने का अर्थ है कि उनके चरणों पर जो पानी डालेंगे आप और उनको आप नीचे किसी पात्र में इकट्ठा करेंगे, तो वो ही उनके चरणों का अमृत है। दोस्तों, यदि आप उसे पान करते हैं और 1.25 महीने तक ऐसा पान करते हैं अपनी किसी भी इच्छा को लेकर के, तो आपकी वह इच्छा पूर्ण होने लग जाती है। दोस्तों, इस क्रिया को आप करोगे तो आप स्वयं इसको देखोगे कि इसका बड़ा भारी चमत्कारी प्रभाव होता है। दोस्तों, यह लिखा भी है कि विष्णुः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। यानी कि विष्णु के चरणों के पानी को यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होता है। दोस्तों, यह तो एक अलग बात हो गई। पुनर्जन्म के बारे में कि कहना मुश्किल होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, परंतु दोस्तों, यह अक्सर सत्य बात है। यदि नियमित रूप से यदि उनके चरणों का आप जल प्राप्त करेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप इसे जरूर करके देखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप जहां मंदिर में जाते हैं वहां पर या तो विष्णु भगवान की मूर्ति शीशे में होगी या ऐसे स्थान पर होगी जहां जल का डालना वर्जित होता है। फिर जल का प्राप्त करना भी आपके लिए सुलभ नहीं होगा। तब उस समय पर आप क्या करेंगे? दोस्तों, किसी भी लोटे में जल ले जाएं तो उसके साथ में दूर्वा ले जाएं या एक पुष्प ले जाएं जो उसमें डाल करके ले जाएं। जब आप मंदिर में जाएंगे तो उनके चरणों पर वो दूर्वा या पुष्प आपने जल में से निकाल कर उनको चरणों को लगा देना है और फिर से जल में डाल देना है। फिर निकाल कर उनके चरणों पर लगा देना है और फिर जल में डाल देना है। फिर निकाल कर चरणों पर लगा देना है और फिर जल में डाल देना है। ऐसा 3 बार करना है दोस्तों। फिर जो लोटे में पानी है आप उसका अमृत पान कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी ही सरल विधि है। हम आपके लिए अति सरल से सरल विधियां लेकर आते हैं और आपके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए बताते रहते हैं। दोस्तों, इसे करें। 1.25 महीने में आप एक बात का ध्यान रखें कि एक ही इच्छा रखें। आप जिस इच्छा को लेकर के इस अमृत का पान करने लगेंगे, आप देखेंगे कि यह इच्छा आपकी शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होने लगेगी और आप अपने जीवन में इसका पूरा लाभ उठाएंगे। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।